कुकर में बनाऊंगी क्योंकि कुकर में फटाफट बन जाता है। तो मैंने ये पहले ही इसमें घी डाल के दलिया डाल दिया, और दलिया अब ऐसा दलिया हुआ मिलता है बाज़ार में, आप इस तरह से दलिया टाइप ही होता है बाजरे का दलिया। तो इसको घी डाल के और इसको सेकेंगे, इसको अच्छी तरह से सेकेंगे जब तक ये थोड़ा सा लाल हो जाएगा। लगभग सीख चुका है, ब्राउन ब्राउन होने लग गया। अब इसमें मैं पानी डालूँ, पानी इसमें डबल डालना है। एक कटोरी दलिया लिया है तो कम से कम 2-3 कटोरी पानी डालना है इसमें, ये जब भी अच्छे से पकेगा। और ये मैं गुड़ के साथ पानी को गुड़ भी डालूंगा। गुड़ अपने हिसाब से डालना जितना आपको मीठा खाना है। और ये मैंने थोड़ा बहुत काजू और बादाम और थोड़ी इलायची ये भी डालूँ साथ में, सबको मिक्स करके और ढक्कन लगा देंगे। कम से कम 3 या 4 सीटी लेने तक पकाइए इसको, जब जाकर ये अच्छे से पकेगा उसके बाद मैं बताती हूँ किस तरह से बनाएं ये। और आप दूध के साथ खाना चाहते हो तो दूध के साथ भी खा सकते हैं इसको। वैसे मैंने पहले इसको आग पे अच्छी तरह से इसका घी भी जो भी इसमें घी फंस जाता है तो उसको मैंने जलाया पहले, और फिर मैं इसको गर्म पानी में उबालूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। इसमें ये थोड़ा सा जो डिश वॉशर है वो डालूँगी और इसको अच्छे से बॉयल होने दूँगी तो इसका जो अंदर सा जो भी जमा हुआ होता है जालियों के अंदर वो साफ़ हो जाता है। देखो काला काला पानी होने लग गया है अभी से, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। होने में गेहूँ का दलिया जैसा होता है पर इसका टेस्ट अलग होता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। इसको दूध के साथ खाया जा सकता है, ये गर्म बहुत रहता है, सर्दियों में खाना चाहिए इस तरह का। और ये जैसे जैसे गाढ़ा होगा इसमें दूध डाल के खा सकते हैं इसको। ये देखो एकदम खिल गया। थैंक यू, फिर अगली बार नई रेसिपी लेकर आऊँगी। और ये जो छलनी धोई थी ना मैंने कुछ इस तरह की, ऐसी क्लीन हो गई, ये काला काला नहीं निकला पर बाकी ये जो अंदर से जो जमा हुआ था वो सारा निकल गया इसका गंदगी जो भी है। एक के मैंने ये वाली भी धोई थी तो दोनों साफ़ हो चुकी है। पहले बहुत इसमें कचरा फंस गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा गैस पर जला के इसको पानी में डिटर्जेंट डाल के और उसको बहुत देर तक उबाला तो उसका जो भी अंदर कचरा जमा हुआ था वो सारा निकल गया। फिर थोड़ा सा इसको रगड़ देना है तो इससे
बहुत अच्छा साफ हो जाएगा।